उत्तराखंड हिमाचल में भारी बारिश हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को बधाई दी। साथ ही राष्ट्रपति ने बताया कि देश में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। आज विश्व मंच पर भारत की एक अलग पहचान बन रही है। वहीं राष्ट्रपति ने G20 का जिक्र किया और कहा कि देश में इसको लेकर उत्साह है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। लगातार हो रही बारिश से मंडी, सोलन और सुंदरनगर समेत कई इलाके पानी से लबालब भरे हैं। वहीं कुछ जगहों से भूस्खलन की खबरें भी सामने आई। शिमला में शिवबंदे पर काफी मलबा गिर गया, जिससे कई लोग फंस गए। इसके बाद वहां रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इधर शिमला कालका रेल ट्रैक पर भी भारी बारिश का असर देखने को मिला। कुछ जगहों पर ट्रैक के नीचे से ही जमीन गायब हो गई। उत्तराखंड में भी बारिश से लोग बेहाल हैं। वहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बन रही टनल में पानी घुस गया, जिससे 100 से ज्यादा मजदूर अंदर ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया। उधर भारी बारिश से देहरादून के पास दून डिफेंस कॉलेज की इमारत ढह गई। मौसम विभाग ने पहाड़ों में अभी 4 से 5 दिन ऐसी ही तेज बारिश रहने का अनुमान जताया है। सरकार 15 अगस्त यानी मंगलवार से 50 रुपए में टमाटर बेचेगी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने सहकारी संस्था NCCF और नेफेड को ये निर्देश जारी किए। कम दामों में टमाटर दिल्ली, NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बेचे जाएंगे। इससे पहले सरकार टमाटर 70 रुपए में बेच रही थी। हरियाणा के नूह से राहत भरी खबर आई। दरअसल जिले में दोबारा इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। नूह हिंसा के बाद सेवा इंटरनेट बंद था। हालांकि अब सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने वालों पर पुलिस प्रशासन की सख्त नजर रहेगी, ताकि आपसी भाईचारे पर असर न पड़े।